जय श्री श्याम बच्चों। तो चलिए लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। एक ऐसा चैप्टर जिससे मैक्सिमम आपको थ्योरी देखने को मिलता है, दैट इज 7 to 8 marks का। तो वो क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों। एक एक करके क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, तो मिस मत करना, आखिरी तक वीडियो देखना। अगर आप सिर्फ इतने मात्र क्वेश्चन जितना मैं करा रहा हूँ आज की डेट में, अगर आप कर लेते हैं तो आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज यूज टू कैलकुलेट द पार्टीशन ऑफ वैल्यू। बच्चों जब हम पार्टीशन की पढ़ा था, हमने टॉपिक पढ़ा था पार्टीशन, याद कीजिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जहां पे पार्टीशन वैल्यू हम पढ़ते थे, तो पार्टीशन वैल्यू हम किस किस की बात करते थे सर, मीडियन की बात करते थे, क्वार्टाइल की बात करते थे, हम डिसाइल की बात करते थे, याद है ना। तो बच्चों वो वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं तो किसके माध्यम से किया जाता है, ओज़ाइव कर्व के, ठीक है, ओज़ाइव कर्व के माध्यम से। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एन एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या है, जैसे आपका ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, 30 to 40, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला है, एन एक्सक्लूसिव सीरीज ही, जब हम एक्सक्लूसिव सीरीज की बात करते हैं तो यहां पे जो हमारा अपर लिमिट है उसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना, ये इंक्लूड नहीं करते हैं बच्चों। तो यहां पे क्या लिखा है, इन विच अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लास इंटरवल। ऑप्शन सी जो है आपका ये करेक्ट ऑप्शन है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी शोन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, जब हमने एक टॉपिक पढ़ा था, याद कीजिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में दो चीजें पढ़ी थी कि जब हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो एक पोजिशनल एवरेज और एक हमने मैथमेटिकल एवरेज पढ़ा था, है कि नहीं है। तो यहां पे बात किया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी शोन बाय ग्राफिकल मेथड, से हम शो नहीं कर सकते। तो बच्चों वो क्या है आपका, मीन है, ठीक है, मीन आपका क्या है, मैथमेटिकल एवरेज है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चों, द पेयर ऑफ एवरेज हुज वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। ठीक है, तो कौन कौन से अभी जस्ट हमने पढ़ा, ठीक है, अगर हम मोड की बात करते हैं तो मोड के केस में हम हिस्टोग्राम को लेते हैं, मीडियन की बात करते हैं तो हम ओज़ाइव को लेते हैं। तो ये दोनों ही जो है हमारे पोजिशनल, किसकी बात करते हैं, पोजिशनल की बात करते हैं, पोजिशनल एवरेज की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा मोड एंड मीडियन। अच्छा, कैन नॉट बी बोला, नहीं कैन बी बोला, ठीक है, तो मोड एंड मीडियन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड एज। अब जैसे 0 to 10, 10 to 20, ठीक है, तो यहां पे ये बोला है ये आपका लोअर लिमिट है, ये आपका अपर लिमिट है, इस केस में ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इस डिफरेंस को कहते हैं हम क्लास इंटरवल, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, द लेस देन ओज़ाइव इज अ, जो लेस देन ओज़ाइव है, जब आप इसको नॉर्मली ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस आकार का आता है, और ये जो आकार है ये आपका इनवर्स एस शेप्ड कहते हैं हम इसको, है ना। तो यहां पे एस शेप्ड कर्व, तो इनवर्स नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जस्ट बोला है क्या यहां पे, ये क्या एस शेप्ड की तरह देखता है ना, बोलते हैं एस शेप पर है क्या ये, एक्चुअली तो है नहीं, बट हां उसके जैसे दिखता है, ठीक है। तो यहां पे आपका एस शेप्ड कर्व जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन सी जो है, ठीक है। या अगर यहां पे इनवर्स एस शेप्ड है तो भी आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बोला है टू ड्रॉ हिस्टोग्राम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी, बोला क्या जब हम हिस्टोग्राम की बात करते हैं तो हिस्टोग्राम हम टू ड्रॉ हिस्टोग्राम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे भी बताया हमने, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, कौन सा होता है वो एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव टाइप, ठीक है, एक्सक्लूसिव टाइप का होना चाहिए। अच्छो चलिए आगे बोला है द मोस्ट एप्रोप्रिएट डायग्राम टू रिप्रेजेंट 5-year plan।
आउटले ऑफ इंडिया इन डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर। अब यहाँ पे क्या बोला, कौन सा एप्रोप्रिएट डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा फाइव ईयर प्लान आउटले ऑफ इंडिया को कि इन डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर। तो आपने किया था, याद कीजिए, है ना, ये जैसे मैंने सर्कल लिया, ये पूरा क्या बता रहा है, पूरा इंडिया का, है ना, फाइव ईयर प्लान बता रहा है और अलग अलग सेक्टर का। मान लो ऐसे बना दिया गया तो ऐसे बना दिया गया, मान लो ये पोर्शन जो है ये एजुकेशन सेक्टर के बारे में बोल दिया गया, ठीक है, ये मान लो फार्मिंग या किसी दूसरे सेक्टर के बारे में बता दिया गया। तो ये डायग्राम जो प्रेजेंटेशन है ये एक्चुअली है क्या आपका? सर ये है आपका पाई डायग्राम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पाई डायग्राम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्या बोला है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। जो क्लास इंटरवल है, जैसे भी हमने देखा था 0 to 10, 10 to 20, ऐसा देखा था ना, तो क्लास इंटरवल जो है जरूरी नहीं कि वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, अनइक्वल भी हो तो भी चलेगा। अनइक्वल है फिर उसको हम क्या करते थे, याद है ना, जो लोअर लिमिट है उसको 0.5 से माइनस और अपर लिमिट को 0.5 से ऐड कर देना, तो फिर उसको हम इक्वल क्लास बना लेते थे, फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा आइदर इक्वल और अनइक्वल, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन बोला है 100% आर डिवाइडेड, ठीक है, 100 लोग हैं उनको डिवाइड किया जा रहा है किस बेसिस पे, इनटू द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड इट रिफर्स टू। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या बताया जा रहा है, ये एट्रीब्यूट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका कार्डिनल नहीं होगा, कार्डिनल होता है जब नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि 2, 3, 4, 5। ऑर्डिनल यहाँ पे क्या बता रहा है, सर क्वालिटी, ठीक है, तो ये क्वालिटी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑर्डिनल डाटा, ठीक है। जब आप रैंक की भी बात करते थे, याद करो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है, आपका टॉपिक है इंडिफरेंस कर, तो उसमें आप लोगों ने क्या देखा है, रैंक के हिसाब से कर रहे हैं ना, तो वो कौन सा अप्रोच था, सर ऑर्डिनल अप्रोच। तो यहां पे भी क्या, क्वालिटी को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है बच्चों। चलिए आगे क्या बोला है आपका, आगे अगर मैं बात करूं तो यहां पे बोला है इन द फ्लक्चुएशंस इन द ऑब्जर्व वैल्यूज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द आइटम्स इट इज प्रेजेंटेड बाई। बच्चों जैसे नॉर्मली ये है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है फ्लक्चुएशन। अब मान लो यहाँ पे फ्लक्चुएशन आ रहा है, स्मॉल फ्लक्चुएशन ऐसा आ रहा है कुछ, तो यहाँ पे बेस आपका नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है, ये बेस नहीं होता है, तो उसको हम क्या मान के चलते हैं, इमेजिनिंग मान के चलते हैं कि हाँ भाई एक फॉल्स बेस लाइन इमेजिन मान के चलते हैं, ठीक है, फॉल्स बेस लाइन, ठीक है, दैट इज इमेजिनरी लाइन आप कह सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉल्स बेस लाइन। तो जब ये फ्लक्चुएशन होता है, इतना स्मॉल स्मॉल फ्लक्चुएशन होगा, तो उसमें आपको बेस लाइन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है बच्चों, बोला है द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम इंटरसेक्शन ऑफ टू ऑजाइव्स। आपने देखा होगा, ठीक है, मान लो एक ये बनाए और दूसरा मान लो ये बनाए, तो यहां से अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं आप, ठीक है, तो ये आपको क्या देता है सर, ये पॉइंट आपको देगा मीडियन। क्या देगा बच्चों, मीडियन, लेस देन और मोर देन ऑजाइव, याद आ रहा है, हाँ, सब कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, ये सारा आईसीए मॉड्यूल के अंदर ये अच्छे से समझा रखा है बच्चों आप लोग को, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। आगे बोला है द कर्व ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स हुज एक्स कोऑर्डिनेट आर द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर द कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद करिए, है ना, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, फिर आप लोग सी एफ निकालते हैं, तो किसके केस में निकालते हो सर, मीडियन के केस में, है ना, तो जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है यहाँ पे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन, और मीडियन मतलब ये आपका ऑजाइव, किससे ड्रॉ होता है, ऑजाइव से। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये करेक्ट है। आगे क्या बोला है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हिस्टोग्राम इज यूज फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, हिस्टोग्राम बोला है, तो जब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तो उसके लिए कौन सा सीरीज देखते हैं बच्चों, ना तो इंडिविजुअल ना डिस्क्रीट, बट कौन सा, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी सीरीज। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया है ना, 2-3 क्वेश्चन पहले। चलिए ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या बोला है, विच इज मोस्ट कॉमन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फ्री ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया, ध्यान रखो। तो बोला है कौन सा सबसे ज्यादा कॉमन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है,
जहां पे फ्रीक्वेंसीज देखने को मिलती है अलग अलग, है ना, तो वो होगा बच्चों आपका हिस्टोग्राम, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वार्टाइल्स कैन बी फाउंड थ्रू विच ग्राफ। क्वार्टाइल की बात करें, अभी मैंने आप लोग को बताया था स्टार्टिंग में, शायद दो तीन क्वेश्चन के बाद ही था ये क्वेश्चन, कि जब मैंने आप लोग को बताया था, याद करिए क्या हमने डिसाइल, हम पार्टीशन वैल्यू की बात कर रहे थे, डिसाइल क्वार्टाइल याद करिए, है ना, मीडियन। तो कौन सा ग्राफ बच्चे, ऑजाइव, ठीक है, क्या है, ऑजाइव, ऑजाइव विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, मॉड्यूल में बहुत अच्छे से दे रखा है इसका सारा डिटेल, और मैं भी पढ़ा चुका हूं सारा चीज। द चार्ट दैट यूज लॉगरिथम ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज, तो ऐसा चार्ट जो यूज करता है लॉगरिथम वैल्यू को, वेरिएबल को, ठीक है, लॉगरिथम ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल जो भी गिवन है उसका लॉग का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस चार्ट को क्या कहते हैं सर, उसको कहते हैं रेशियो चार्ट। क्या है बच्चों, रेशियो चार्ट। तो अच्छे से रिवाइज कर लेना आप लोग। अच्छा, क्लासिफिकेशन इज ऑफ डैश काइंड, ठीक है, क्लासिफिकेशन बोला गया है। तो जब हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं डाटा की, तो वो कितने टाइप के, पहला ध्यान रखो क्वालिटेटिव, क्वालिटी, क्वालिटी बोला जा रहा है, तो क्वालिटी बोल रहे हैं मतलब ऑर्डिनरी डाटा। उसके बाद क्वांटिटी मतलब कार्डिनल डाटा। तीसरा क्या सर, तीसरा जियोग्राफिकल बेस में किया जाता है, जियोग्राफिकल एरिया के बेस में किया जाता है, उसको कहते हैं स्पेशल, ठीक है, SPATIAL डाटा। और एक होता है आपका टाइम के अनुसार, तो मैंने चार बताया, क्या, क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, जियोग्राफिकल एरिया और एक टाइम, ठीक है, टेम्पोरल कहते हैं जिसे। क्लियर है बच्चों? तो ये चार टाइप्स के क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हैं। तो थ्री नहीं, फोर, फोर विल बी द करेक्ट वन। क्या क्या है मैंने आपको बता दिया। आगे क्या बोला बच्चों, डाटा, डाटा कलेक्टेड ऑन रिलीजियन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट, लिखा है ऑलरेडी सेंसस रिपोर्ट से, ठीक है, तो वहां से हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो सेकेंड हैंड डाटा कहते हैं इसे, है ना, दैट इज सेकेंडरी डाटा, है कि नहीं, ऑलरेडी पब्लिश्ड है, वहां से हम ले रहे हैं। तो ये होगा आपका क्या बच्चों, सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा विल बी द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन है डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अच्छा, मोड्स हमने पढ़ा था, एक होता है टेक्स्ट जिसमें पैराग्राफ में दिया होगा सब कुछ, और उसी को जब हम टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, शेड्यूल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो होगा हमारा टेबुलर। तो दोनों ही होंगे बच्चों, टेक्स्चुअल टेबुलर, तो ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। अगला आता है बच्चों, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट मेड बाय एक्स वाई जेड बैंक इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक है, अलग अलग ईयर में, मान लो 2020 से 2021, तो 2021 से 2022 इस तरीके से, तो ये प्रॉफिट्स की बात बोली जा रही है, तो ये क्या होगा, एक्स वाई जेड बैंक इन डिफरेंट ईयर्स बोला है, तो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएबल, ऑप्शन सी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन डैश मेथड इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड बाय द रिसर्चर, ठीक है, हिमसेल्फ बाय कंटेक्टिंग द इंटरव्यू, तो जो जिनसे इंटरव्यू लेना है, जिनका इंटरव्यू लेना है, तो उनसे रिसर्चर कैसे गैदर कर सकता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, डायरेक्टली उनको कनेक्ट करके। तो एक तो हो सकता है बच्चों पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, जिसको पूछना है डायरेक्टली जाके, ठीक है, और खास करके मैंने कहा था ये सुइटेबल कब होता है, जब नेचुरल कैलमिटीज की बात आती है। दूसरा क्या, टेलीफोन, तो ठीक है, डायरेक्ट किससे, इंटरव्यूई से हम लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो ये दो तरीके जो हैं हमारे करेक्ट हैं, बोथ ए एंड बी, ठीक है, इनडायरेक्ट नहीं होगा। चलिए आगे क्या बोला है बच्चों, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू अ क्लास इंटरवल इज द रेशियो ऑफ, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की जब हम बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास इंटरवल, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी की क्लास इंटरवल, तो क्या होगा बच्चों, क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ, ठीक है, तो ऑप्शन ए यही वाला होगा, ये फॉर्मूला ये याद रखना, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आया बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज एप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट द वेरियस हेड्स इन टोटल कॉस्ट, वेरियस हेड्स टोटल कॉस्ट, तो ये मैंने क्या माना था, ये पूरा है, इसके अंदर अलग अलग हेड्स, ये तो ये कौन सा हो गया, बताया था अभी आप लोग को सर, ये हो जाएगा आपका पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट के माध्यम से ही फिर आप क्या ये पाई डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट करके, ये पता है आप लोग को। अगला क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू अ क्लास इंटरवल इज द रेशियो ऑफ,
तो ये तो रिपीट हो गया शायद, ये ऑप्शन है आप लोगों ने कर रखा है, ठीक है। क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टब ऑफ अ टेबल इज द, जब आप, मैंने आपको बताया था कई सारे, मैंने ऑलरेडी कंसेप्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है, मैंने उसमें यह बताया था कि स्टब क्या होता है, याद करिए, पॉइंट वाइज एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। तो हम तीसरे नंबर पे जब आए थे तो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट कॉर्नर में स्टब होता है ना, जो रोज बनी होती है, रोज की जो हेडिंग होती है उसे क्या कहते हैं, उसे स्टब कहते हैं, और कॉलम की जो हेडिंग होती है उसे क्या कहते हैं, कैप्शन कहते हैं, याद करिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज, तो ऑप्शन डी जो है ये आप लोग का करेक्ट है। तो ये जितने भी एमसीक्यू करा रहा हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर ये आप अच्छे से कर लेते हो 7 से 8 नंबर आपके कहीं नहीं गए, तो इसको जरूर हर बच्चे ने गो थ्रू करना है फटाफट। इसलिए मैं बीच में बात नहीं कर रहा हूं ज्यादा, क्योंकि आप लोग के पास भी टाइम कम है, इनको आपने गो थ्रू कर लेना है एक दो बार। अच्छा चलिए आगे क्या बोला है, डाटा आर सेड टू बी, है ना, डाटा आर सेड टू बी डैश इफ द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा। अब इन्वेस्टिगेटर है वो खुद ही रेस्पॉन्सिबल है। मैं गया गुड़गांव के कारखाने में, वहां से एक एक एम्प्लॉय से मैं पूछ रहा हूं कि इनकी वेजेस क्या है, उनकी सैलरी क्या है, तो कौन सा फर्स्ट हैंड डाटा, तो ये कौन सा डाटा हो जाएगा, प्राइमरी डाटा बच्चों, ठीक है, प्राइमरी डाटा। आगे क्या बोला है, अ सुइटेबल ग्राफ फॉर रिप्रेजेंटिंग द पोर्शनिंग ऑफ टोटल इंटू सब पार्ट्स, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, वही पाई चार्ट ही होगा, ठीक है, लिखा है ना, रिप्रेजेंटिंग द पोर्शनिंग, पोर्शन जो वो मैंने बनाया अभी, ऑफ द टोटल इंटू सब पार्ट, सब पार्ट में, जैसे मैंने एक बताया था वो एजुकेशन सेक्टर इतना, ये इतना, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका पाई चार्ट, और इसकी सहायता से हम पाई डायग्राम बना सकते हैं। अगला क्या बोला है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइटम ऑकर्स इन अ क्लास इंटरवल होगा इच कॉल्ड एज, तो एक जैसे हमने क्लास इंटरवल लिया था 0 से 10 बार कितने आइटम्स आ रहे हैं इसके बीच में, तो हम लोग यहाँ पे 5 लिखते थे, तो ये जो 5 है ये क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है ना, मान लो मैंने कहा कि 0 से 10 के बीच में कितने आइटम्स आ रहे हैं, मतलब कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो वही चीज यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइटम ऑकर्स इन, तो 0 से 10 के बीच में कितने पर्टिकुलर आइटम्स आ रहे हैं, तो दैट इज सेड टू बी एज फ्रीक्वेंसी, क्या होता है बच्चों ये फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एन ऑसाइव इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, ग्राफिकल किसका हमने पढ़ा था, इससे हम क्या निकालते हैं मीडियन, और मीडियन कैसे आता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सीधा सीधा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो मोर देन लेस देन पता है आप लोगों को। उसके बाद बोला है डैश ए डैश सीरीज इज कंटिन्यूअस, कौन सी सीरीज जो होती है कंटिन्यूअस होती है, हमने देखा था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, सर ये होगा आपका एक्सक्लूसिव, ठीक है एक्सक्लूसिव। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज सुइटेबल फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखा है, घुमा के आ रहा है बस और कुछ नहीं है ऑसाइव, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है आप लोगों ने। आगे हिस्टोग्राम इज यूज फॉर फाइंडिंग, मैं बता चुका हूं ये हिस्टोग्राम इज यूज फॉर फाइंडिंग क्या मोड, ठीक है क्या होगा बच्चों मोड, मोड विल बी द करेक्ट वन, ऑसाइव के केस में हमने क्या पढ़ा था मीडियन। चलिए आगे बोला है हिस्टोग्राम कैन बी शोन एज, हिस्टोग्राम हमने देखा था ना आप लोगों को पता है, हिस्टोग्राम हमने बनाया था याद कीजिए, ठीक है इस तरीके से, ठीक है तो ये हम लोग बनाते थे याद करो, तो ये क्या है सर रेक्टेंगल, क्या है दिस इज रेक्टेंगल, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट है। आगे बोला है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, ठीक है बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसको अच्छे से तैयारी करके जाना बच्चों, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अब तो आप लोगों को आ ही गया होगा ऑसाइव, तो इतने बार पढ़ने के बाद, इतने बार क्वेश्चन को देखने के बाद तो लग रहा होगा कि नहीं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे आपके जो प्रीवियस एग्जामिनेशन है पिछले 10 सालों में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिले हैं, ठीक है अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो। अगला आता है द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एन लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड, तो ये क्लास इंटरवल, देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ऑप्शन ई, ये क्वेश्चन भी आप लोग का रिपीट हुआ है,
उसके बाद क्या बोला बच्चों, स्टैटिस्टिक कैन नॉट डील विथ, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट डील विथ डैश डाटा, क्वालिटेटिव डाटा, है ना, क्वालिटेटिव डाटा नहीं होगा, क्वांटिटेटिव होगा, टेक्सुअल ठीक है, एट्रीब्यूट ठीक है, ठीक है, कितने लोग हैं ऐसे एट्रीब्यूट के, स्वीटनेस ऑफ स्वीट डिश, ये आपको क्या बता रही है, क्वालिटी बता रही है, ठीक है, ये क्वालिटी बता रही है, और जो क्वालिटी बताता है वो आपका क्या है, वो आपका एट्रीब्यूट कहलाता है, क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट। चलिए आगे बोला है सेंसस, सेंसस जो रिपोर्ट्स हैं, चलिए सेंसस रिपोर्ट्स आर यूज एज अ सोर्स ऑफ डैश डाटा, सेंसस रिपोर्ट सोचिए ऑलरेडी पब्लिश है, ऑलरेडी हाँ बना हुआ है, तो वहां से अगर हम डाटा ले रहे हैं तो वो सेंसस रिपोर्ट कौन सा डाटा हो गया सर, सेकेंडरी, है ना, सेकेंड हैंड डाटा, मैंने आप लोगों को बताया था, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर, ठीक है, क्या बोला है, टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, बच्चों पता है आपको, मोर देन ऑसाइव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन ऑसाइव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कितने हो गए सर, दो, तो टू जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ध्यान बड़े गौर से यहां देखना है, मैं बार बार आप लोग की तरफ इसलिए नहीं देख रहा हूं कि आपके पास भी अब एग्जाम के लिए बहुत टाइम कम बचा है ना, सिर्फ डेढ़ दिन रह गए, तो ये फटाफट आज ही आप लोगों ने पढ़ लेना है इसको बहुत अच्छे से, ठीक है बच्चों, कुछ नहीं है। द डैश आर यूज यूजुअली व्हेन वी वांट्स टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, जब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप, मैंने कौन से चैप्टर में पढ़ाया था याद करिए, हाँ जी हाँ बिल्कुल सर, कोरिलेशन में ये कराया था ना हमने, ऐसे बनाया था, याद आ रहा है कुछ सर, ये याद करो, है ना, तो कौन सा था ये स्कैटर, ठीक है, स्कैटर, स्कैटर डायग्राम, स्कैटर प्लॉट। चलिए अगला क्वेश्चन है, बार चार्ट इज ड्रॉन फॉर, ठीक है, कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स, क्या होगा, कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स, क्रिकेट मैच में देखते हो आप लोग अक्सर, है ना, तो ये आपका इसका आंसर है। उसके बाद बोला है अ टेबुलर प्रेजेंटेशन कैन बी यूज फॉर, टेबुलर प्रेजेंटेशन, अच्छा प्रेजेंटेशन का मतलब अभी गया थोड़ी है, अभी प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करने के बाद वो सेकेंडरी हो सकता है, बट अभी प्रेजेंटेशन करना है, तो अभी क्या है ये, मैं बना रहा हूं भैया अभी, तो सर ये प्राइमरी है, ठीक है, अभी गया नहीं मार्केट में, अभी तो प्रेजेंटेशन उसका बना रहा हूं मैं। चलिए आगे बोला है अब वेरिएबल, अभी मैंने ये समझाया था आप लोग याद करिए, अब वेरिएबल क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं, तो क्वालिटेटिव की जब बात करते हैं तो आपका क्या है, क्वालिटी वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट इसको क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट, क्वालिटी कैरेक्टर। आगे बोला है द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा कैन बी वेरीफाइड बाय, ठीक है, अच्छा बोला है जब हम क्या करते हैं किसी भी डाटा का एक्यूरेसी या कंसिस्टेंसी कितनी है वो, ठीक है, उसको जब हम वेरीफाई करते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं बच्चों, हम उसको कहते हैं स्क्रूटिनी, ठीक है। कई सारे स्टैटिशियन होते हैं, जब उनके पास डाटा आता है तो उसके ऊपर पूरा पेशेंटली ध्यान से दिमाग से हर चीज पूरा देखता है, पूरा वो रिसर्च लगा देता है उस पर कि हाँ भाई जो ये डाटा आया ठीक है कि नहीं है, है कि नहीं, उसको मेजरमेंट करता है, पूरा मेजर करता है, ठीक है, तब जाके वो एक्यूरेसी देखने को उसको मिलती है, तो ये क्या कहलाता है, इसको स्क्रूटिनी, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है फ्रॉम अ हिस्टोग्राम वन कैन नॉट कंप्यूट द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, अच्छा अभी हमने क्या पढ़ा था, जो हिस्टोग्राम है उसके सहायता से हम मोड फाइंड आउट कर रहे हैं, बट बच्चों किसी ना किसी तरीके से देखो ये जो मोड है, ठीक है, यहाँ पे मीडियन है, मीन है, तीन चीज दे रखी है, ठीक है, हमने स्टैटिस्टिक में पहले क्या पढ़ा था कि ये सारे सेंट्रल वैल्यूज हैं, है ना, ये सारे क्या है, सेंट्रल वैल्यूज हैं, तो कहीं ना किसी तरीके से तो चलो हम निकाल सकते हैं, बट अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ही ऐसा दे रखा है ना कि हमें अच्छे से समझना है कि यहाँ पे बात उस चीज की है, सेंट्रल वैल्यू की बात की गई है, ठीक है, फ्रॉम अ हिस्टोग्राम वन कैन नॉट कंप्यूट, कौन सा कंप्यूट नहीं कर सकते हैं? आपको पता है सर, चलो हिस्टोग्राम की बात है, मोड पढ़ाया आपने,
बट देखो मीडियन और मीन ये भी एक तरीके से सेंट्रल वैल्यू है, मोड भी आपका सेंट्रल वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हम अप्रोक्सीमेटली कले सॉरी वैल्यू उसका फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका बी होना चाहिए बच्चों। आगे क्या बोला है, ये हमने कर रखा है द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल प्रोवाइडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ रोज। तो देखो काफी बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चंस, और ये आपका है स्टब, ठीक है। ये अभी अच्छा हुआ कि आप लोगों को याद भी हो जाएगा। ये मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड, ठीक है, बोला है मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड। तो बच्चों जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो देखो ये क्या है, ये मैंने ऐसे बनाया, ये कौन सा शेप्ड है, ये बेल शेप्ड है सर, ठीक है। तो पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी फिर जाएगी फिर घटेगी, है ना। जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं, तो ये पहले घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, ठीक है। तो वो कौन सा शेप्ड है, ये बेल शेप्ड, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चलिए उसके बाद क्या बोला है नेक्स्ट, डाटा ऑन रिलीजन फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट आर, ठीक है, ये भी सेंसस रिपोर्ट बोल ही दिया बार बार। तो ये कौन सा है सर, ये तो सेकेंडरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आइडियोग्राफ्स, आइडियोग्राफ ये पता कहां से आ रखा, आइडियोलॉजी जो आइडिया आप सोचते हैं, आर ऑल्सो कॉल्ड एस, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफ्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पिक्टोग्राफ, जो आप इमेजिन करते हैं ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो वो पिक्टोग्राफ कहलाता है। आगे क्या बोला है बच्चों, डैश मींस सेपरेटिंग आइटम्स, आइटम्स को सेपरेट किया जाता है किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुपिंग देम इनटू वेरियस क्लासेस, है ना, उसको सेपरेट किया जाता है अलग अलग क्लास के लिए। तो क्या है बच्चों, क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑप्शन ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद क्या बोला है अगला क्वेश्चन, हाँ जी ये भी आप कर चुके हैं, अ ग्राफ दैट यूजेस वर्टिकल बार्स टू रिप्रेजेंट, वर्टिकल बार्स ऐसे, है ना, ये ऐसे ऐसे बनाते हैं ना आप लोग। चलिए वर्टिकल बार्स टू रिप्रेजेंट डाटा इज कॉल्ड एज, क्या होता है ये, बार ग्राफ, क्या कहते हैं, बार ग्राफ। तो बच्चों ये सारे जो क्वेश्चंस थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जाइए, एक दो बार गो थ्रू कर लो बस, आज रात को फटाफट टक 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 कर लो, तो 7 से 8 नंबर आपके कहीं नहीं गए। और ये लौता एक ऐसा चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा थ्योरी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, जय श्री श्याम।